वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं डिब्रूगढ़ आया था काम से। तो देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी का सामने हूँ अभी। पिछले 4-5 दिन से जो असम में बारिश दे रहा है उसका वजह से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का हालत, देखिए बहुत ही महामारी का हालत ले लिया, तो बहुत ही भयानक रूप ले लिया। आप लोगों को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए अभी देखिए फिर से पानी आने वाला है। बहुत ही खराब सिचुएशन होके रखा है, देखिए कितना पानी गहरा है और बहुत तेजी से पानी चल रहा है और बहुत ही आदमी घूमने आ रहे हैं इधर में। देखिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से आदमी लोग मच्छी पकड़ रहे हैं, मतलब हर एक साइड में ऐसा मच्छी पकड़ रहे हैं। और मतलब ज़्यादा पानी होने से मच्छी भी ज़्यादा निकलता है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए एक नाव आया है, ये नाव अभी आगे जाने वाला है। लेकिन पानी का जो स्रोत है, मतलब पानी का जो ढेव है, बहुत ज़्यादा है, वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए वो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 आदमी मिलके नाव चला रहा है, फिर भी नाव आगे नहीं जा रहा है। मतलब पानी का कितना प्रेशर होगा देख लीजिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। देखिए 3 आदमी पूरा जोर लगा रहे हैं और एक बैठ के लगा रहा है, देखिए फिर भी आगे नहीं जा रहा है नाव, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। देखिए देखिए यहाँ पे 3 आदमी पहले से जोर लगा ही रहे हैं, उसके बाद अभी जो 4 नंबर वाला आदमी है, देखिए बहुत ज़्यादा जोर लगाया अभी, उसके बाद नाव थोड़ा आगे जा रहा है। देखिए आप लोग सोचिए, ये 4 आदमी मिलके नाव आगे नहीं ले पा रहा है, अगर यहाँ पे कोई गिर जाए तो मतलब कितना तेज़ी से चला जाएगा, सोचिए मतलब कितना तेज़ी से डूबेगा, बहुत ही रिस्की है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आइए लेकिन थोड़ा दूर में खड़ा होइए, मतलब सामने मत खड़ा होइए। अभी पानी का जो प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा है और मतलब बहुत गहराई भी है अभी, मतलब पानी बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग सावधानी से मतलब आइए, यहाँ पे खड़ा होने से मतलब साइड में थोड़ा दूर में खड़ा होइए। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैं दूसरे साइड पे आया हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घर है देख लीजिए साइड में। और सोचिए अगर रात में पानी भर जाए तो ये लोग कहाँ जाएगा, मतलब अभी मतलब पानी ऊपर आने ही वाला है, ऐसा मतलब सिचुएशन आके रखा है। देखिए एकदम एकदम मतलब इक्वल है पानी, तो सोचिए ये लोग कैसे यहाँ पे रह रहा है। हम लोग तो घर पे आराम से सोते हैं, सुकून का नहीं, लेकिन ये लोग रात में सोचते हैं अगर पूरा सो गया तो कुछ हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है ये लोगों का। सोचिए ये लोग कैसे रह रहा है यहाँ पे, मतलब ये लोग का रहने का कोई मकान वकान नहीं है तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उपाय तो नहीं है अभी, क्या करेगा ये लोग।